ਬਾਬੀ ਤੇਰੀ ਟੋਰ ਨਵਾਬੀ ਦੇਵਰ ਦੇਵਰ ਰਾਮ ਰਾਮ ਤਨੈ ਅੱਜ ਖੇਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁੱਕਰ ਦਿਖੀ ਕੇ ਪੜ ਗਿਆ ਕਾਮ ਤਨੈ ਯਾ ਦਾਤੀ ਦਿਖੇ ਹੈ ਅੱਛਾ ਬਾਬੀ ਇਤਨੀ ਛੋਟੀ ਸੀ ਬਾਤ ਪਦਾਤੀ ਮਾਰ ਦੇਗੀ ਓਹੋ ਦੇਵਰ ਤੇਰੇ ਕਿਉਂ ਦਾਤੀ ਮਾਰੂ ਥੀ ਤੂੰ ਕੇ ਜਵਾਰ ਕਾ ਫਰੜਾ ਹੈ ਨਾ ਨਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਪੂਰਾ ਕਰੜਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਰਸਮ ਕੱਟਣ ਆਈ ਥੀ ਕੀ ਬਾਤ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੀ ਬਾਟ ਮੈਂ ਥਾਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੀ ਬਾਟ ਦੇਖਦਾ ਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਪਿਆਰੀ ਸੋਨ ਪਰੀ ਵਰਗੀ ਬਾਬੀ ਕੀ ਬਾਟ ਦੇਖੂ ਥਾ ਅੱਛਾ ਓ ਦੇਵਰ अरे तू तू के भाभी तारा सारा खानदान में तो परी परी भरी पड़ी है अच्छा अरे भाभी वह तारा घर में एक कुवारी परी बच रही एंजल सुतली उसका गिल्ला मेरे ब्याह की बात कड़े तक पहुंच ली चौड़ा है देवर दो ही दिन पहले तो बात चल ली थी इसा उतावड़ा हो रहा किते और रिश्ते को नहीं आंदे के कमाल कर दिया जो कौम तटे हो गया दो रिश्ता जो रानू बाट देखे है जो रैली में भीड़ मंत्री की बाट देखा करे पर भाभी यू पापा का परा ब्याह कराओगा ना तो तारा घर की परी गेल्या कराओगा अच्छा ओ देवर यस नो बता सारा गांव में सब मसुतरी बहू कौन है तू है भाभी सबसे प्यारी संस्कारी आज्ञाकारी राज दुलारी बहू कौन है तू है भाभी अच्छा बस भाभी मैंने सोच लिया है बहू लेनी तो तेरे बरगी लेनी है नहीं तो फिर ताले मार देंगे अरे भाभी तने तो बेरा है तेरे बरगी तो तारा घर में दास के है हाँ चल ठीक है मैं थोड़ा गौर करके बात करूंगी गौर तो करना पड़ेगा भाभी तेरा प्यारा देवर सुख नहीं आहो देवर सह क्यों नहीं पांच दिन पाछा घर आ जाऊंगी और ओड़ा जाकर टिकाई ते अम्मी शमी बैठ कर बात करूंगी पांच दिन बाद रिश्ते की बात होगी सात दिन बाद देखनी आ जाएंगे दस दिन बाद हम देखने चले जावांगे महीने भी तरबिया मजा आ जाएगा भाभी 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 कि चली गई लीला सेठ है या भाभी तेरे ब्याह की आखिरी उम्मीद से बस एक बार बात कुकरे आग पहुंच जाओ ना उनका तो चांस को नहीं बाकी मित्ते या बात तू पिछले पांच साल तक कहना लग रहा है ध्यान नहीं हो लिया जैसे भाभी ने बात आगे नहीं पूछाई नहीं तो ध्यान नहीं होगा अलख निरंजन ये दादी का पाट दिया मैं बाबे आए पुत्र बाबे तू तो कल्ला ही दिखा है बाकी कड़ा है अलख निरंजन माफ करो बाबा जी मैं निरंजन को नहीं निरंजन का खेत तो दो किले प्रांस है ओड़े पाओगा वो दंत मंजन करदा अरे मूर्ख दुरत बेअकले बेशकले बस बाबा इसका फल तुझे मेरी बेइज्जती कर दी नहीं फिर मेरा छो उठ जाएगा और जय मेरा छो उठ जा रहा है फिर मैं बाज कर तूड़ियाला में लुक जा करूं पुत्र तू बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है जाने क्यों बकवास करे है अलाख निरंजन एक तो मैं निरंजन को नहीं बाबा मन्ना बेरा है तू कौन है अच्छा कौन हूँ मैं तेरा नाम ऐत शुरू हुआ है और तय पर खत्म हुआ है और तेरा नाम बैत शुरू है आप खत्म हुआ है बाबा अलाख निरंजन निरंजन को नहीं बाबा मैं बेटे यो बाबा का स्लैंग है ना सम बढ़ गया तेरा स्लैंग अरे एक बात और बताऊं बता तेरा बाबू का नाम जैत शुरू हुआ है और ऐप खत्म हो वह है कि नहीं हो वह है बाबा सही को वह है और तारा घर एक थूड़ा का ट्रक भी है थूड़ा का ट्रक अच्छा रेनू ने कंधा होगा हाँ बाबा है तेरी दादी ना बाबा यो मारा पेट डायलॉग से यो नहीं बोल सकता तू अरे तेरी दादी बचपन में नूनी कहा करती गणागी खा का ना सो है ना तो कीड़ी खींच ले जाएंगी हाँ बता कर दी बाबा बता कर दी तुम तो सारी सही बता दी जाओ खेतर बाबा की जाओ अलग निरंजन निरंजन ना गो बाबा बस बेटे अपने कान्ना के गुगु काट के मेरी बात सुन जो तेरे रिश्ते की आखिरी उम्मीद है ना उसकी जान ने खतरा है अगले पांच दिन आगे भी बोल ले बाबा कि मैं 5 दिन पैंट ब्रेक खींच दिए अगले 5 दिन में उसकी जान ने खतरा है और तारे गांव के 2 आदमियां तक खतरा है जिसमें से एक की शक्ल तो रीछ वर्गी है और दूसरे की शक्ल लोमड़ वर्गी और वे उसने एक्सीडेंट करके मारेंगे बाबा जी और जय तेने सारी उम्र रांडा नहीं रहना तो अगले 5 दिन उसकी जान बचा ले और एक और बात अगर यह बात तेने उससे बताई
तो तू भी उसने नहीं बचा पाओगा। अलास निरंजन। दो आदमी, एक की शकल रीछ बरगी, एक की लोमड़ बरगी, इसे कौन है गांव में जो मेरी नजरा से बच रहे हैं? इसकी दादी का दादा कड़े गया रे बाबा, या अच्छी टेंशन दे गया बाबा मिथे, जो सारी जिंदगी रंदा नहीं मरना नहीं, तो उन दो आदमियों ने टोले कून से गांव के। गाड़ी की झोटा बुगी कौन बना रहे, कौन से आ रहा है? अरे दोले अनिल, या किसकी गाड़ी ले रहे हो तुम? हम किसी और की गाड़ी क्यों लेवांगे, ये हमारी खुद की गाड़ी है। तारी गाड़ी है, पर तुमने तो चलानी है को नहीं आंदी? जदे तो धक्का मार के ले आवा थे। इसकी दादी टो है दोला बाल डाडी का, तो हम क्या करोगे इस गाड़ी का? ये हमारा स्टार्टअप बिजनेस है। कौन सा बिजनेस है? इब हम अपनी टूर एंड ट्रेवल कंपनी बनावांगे। हाँ, और हमने तो नाम भी सोच लिया, रुपये दे दे गाड़ी ले ले, टूर एंड ट्रेवल्स। मरे बेटे हो, मैं इसने गोबर करया को नहीं, अरे बिठोड़ा पाथन की स्कीम पहले ला ली। वाह भाई वाह। के मतलब बोलो, समझ में नहीं आया। रहो गुस्से भर के चौथा आदमी, मैं कह रहा हूँ पहले गाड़ी चलानी तो सीख लियो। सीखने तो मामी भी सीख लिया, फिर कोई इंस्पेक्टर भी पावे। रहो बड़ी तरेड़, इंस्पेक्टर तो गाड़ी का चलान कटवाओगा, इंस्पेक्टर को नहीं हारता, इंस्ट्रक्टर आ गया जो गाड़ी सिखाया करे। अरे ऊ भी बगल में छोरा गांव में डिंडोरा। के मतलब बोल न साले, तने तो मतलब बताने में रह लूंगा मैं, बौली त्रेड है इसका मतलब नु है मेरे यार, मैं सिखा दूंगा भाई है ना गाड़ी। अच्छा रहा भाई। बिल्कुल भाई रे, सिखा देने फिर बाट क्या की देखा है। सिखा देंगे इतनी भी की तोल से। एक बार फीस की बात तो कर लो। फीस? अरे तू भैया पर पी ले होगा। यस, 2000 पर डे। 2000 भाई रे, तने तुम्हारी हालत का बेरा, मुश्किल तक खाली बोतल बेच के किस्ता पर गाड़ी कटाई है, करीब बाप इतना जुल्म ना करे भाई, प्लीज सिखा देने नुए। रुपये नहीं है तो रहने दो फिर। रहने दो थोड़े, आप यूट्यूब पे वीडियो देख देख के सीख लेंगे। हाँ सीख लो फिर, मैं कौन सा धक्का कर रहा हूँ ना, मैं सिखाऊंगा। बाकी एक बात था यार दोले, तू गांव के इसे दो आदमियों में जानेंगे जिनमें से एक की शक्ल तो रीछ वर्गी है और एक की शक्ल लोमड़ वर्गी है, देखेंगे इसे आदमी? रीछ वर्गी शक्ल, लोमड़ वर्गी शक्ल है तो ना वाली ले, इतनी भूंडी शक्ल के मार्स हमने तो कदे देखे नहीं गांव में। कोई नहीं, मन्ने टोने पड़ेंगे वो दोनों साले। कोई ना, सीखो गाड़ी तुम, 2-4 साल में गियर गालने तो आ जाएंगे। बाकी आज ही मेरे दो रहे, जब 2000 रुपये पर डे के हो जाए तो आज दौड़े। पक्का सीखागा, और मैं तेरे द्वारा व्हाट्सएप का लिंक भेजूंगा, वीडियो देखिए तुम आज सारी रात तड़का ना, तो आज मैं पानी पको भी चलेगी। देवर हो ओ देवर, जय हिंद भाभी। जय हिंद, ना 26 जनवरी की परेड होवे है। 26 जनवरी की परेड नहीं होती तो क्या बात होगी भाभी, तेरा भी तो देश सेवा में पूरा सहयोग से है। क्यों करे? और जब किसी उजड़ा चमन का घर बसवा देगी भाभी, तो किसी देश सेवा तो कम को नहीं होती। बात तक मक्खन लगाने का काम कौन चला देवर, दो आंजले मक्खन के डोली में भी जाने चाहिए। दो आंजले? देख दो आंजला का नाम तो कुकर आला वर्गे दीदे खोल लिए, ब्याह कराना सक नहीं? करवाना है भाभी, करवाना क्यों नहीं, बस फिर ले पकड़ डोली और बाज ले। ईव ले आ भाभी, लीजा तो मैं फद्दू बना दिया करें। ला भाभी, मक्खन 3 आंजले गिर रहा है, ब्याह की बात ही स्पीड पोस्ट में चला दे। ओहो देवर, तू तो जमाई पाछे पड़ लिया। अच्छा ठीक है भाभी, तू बस कर ली है बात। बाकी भाभी एक बात ताऊ, तैनू बेफिक्र हो कने, पैदल पैदल नहीं आना चाहिए। पैदल तो मेरी जूती भी कोनी आंडे है, आज तो तेरी भाभी की स्कूटरी आ जाएगी, और फिर लीजा सारी काम अपने स्कूटी पर करया करेगी। स्कूटरी? पहले थोड़ी टेंशन थी लीजा। लीजा न्यू कुकर बोलया देवर, मेरा मतलब पहले थोड़ी टेंशन लीजा थी, या एक और टेंशन दे दी स्कूटी वाली भाभी ना। मेरा स्कूटी लेने तेरे की टेंशन होवे थी,
बस के बताऊं भाभी, मैं तने बता कौन सकता। फिर डाल मार दे, मैं तो चल ली। के बताऊं भाभी, मेरा के टेंशन है, मैं तने बता कौन सकता। या भी मेरा एक टेंशन है। अरे यू के सोता है? ओ हेलो, कौन है तू? यम है हम। हम बाकी कड़े हैं। हमें यम है, यमी यम है। आहो रमोसा, एक के बाद दो बार क्यों को है? अनु ताई रामलीला के कपड़े पहन के कड़ांदा है। मूर्ख के बच्चे। मूर्ख का बच्चा? अच्छा बाबू ने कहन धागा मूर्ख। यमराज हूं मैं, आदमी के प्राण काट गए, जोटा के ले जा रहा हूं। जोटा किधर है? जोटा जोड़ पवासिंग पजा रहा है। आप सही में यमराज हो गए? यो ब्रो, यो ब्रो, ओड़ा भी अंग्रेजी चल रहा है। ऊपर अंग्रेजी, देसी विलायती सब चलती है। यमराज जी, जब आप बुरा नहीं मानो तो एक बात पूछूं, आप अड़े के करना आए हो? मैं आप प्राण रंग करना आया हूँ। प्राण? किसके? किसके यमराज जी, किसके? सॉरी ब्रो, ये टॉप सीक्रेट है, हम आपसे शेयर नहीं कर सकते। यमराज जी, मैं आपके हाथ जोड़ू, मैं आपका पेट पढ़ू, मेरा मतलब है टांगा में पढ़ू। यमराज जी, आप अड़ते चले जाओ। अरे छोड़ छोड़, दो तीखो लगा के खुल जाएगी के? हाँ, ना डर दिला है, ना फिर लाने देंगे। हाँ, यम है हम, जिसको लेने आए हैं उसको लेकर जाएंगे। एक नारी का पृथ्वी लोक पर समय समाप्त हो गया है। नारी का समय समाप्त हो गया, इसका मतलब बाबा सही को था। लीजा बाबी, तेरी जान खतरे में है, और मैं लोमड़ और रीच वर्गी शक्ल के अनिल और दोड़ा। यम ब्रो, आप लीजा बाबी ने लेके जाओ, और चाम की किसी भी बाबी ने ले जाओ, मैंने कोई दिक्कत को नहीं। लीजा बाबी तो कितनी मासूम और कितनी नादान है। कौन कितना नादान, कौन कितना मासूम, इसका तो यम लोग जाके पता चलेगा। यम ब्रो, कुछ ले दे के। मुझे रिश्वत देना चाहो है? देना कड़ा चाहूं हूं, मैं तो कोशिश करूं था बस। अच्छा यमराज जी, मैं क्या कहूं था, आप लीजा बाबी ना ले जाओ, क्योंकि मेरा ब्याह का सवाल है। जब लीजा बाबी चलेगी तो मेरा ब्याह कौन कराओगा? आप देख लो ना, आप कुछ भी कहोगे ना, मैं कुछ भी करने तैयार हूँ। फिलहाल नुकर पिज्जा मंगा ले, मने भूख लग रही है। पिज्जा? अच्छा हाँ, पिज्जे खा खा के पेट बड़ा कर रहे हैं यमराज जी। चलो यमराज जी, पिज्जा तो खुआ दूंगा मैं आपने। अच्छा कौन सा पिज्जा खा रहे हो यमराज जी आप? फार्म हाउस। फार्म हाउस? घर पे पनीर कौन खाया करते? ना, उसमें पनीर पनीर हो है। अच्छा ठीक है यमराज जी। राम राम जी सारे, मैं तो क्या हाल है सबके। तो वीडियो किसी लागी? बहुत कुछ सस्पेंस है इस वीडियो में, तो इसका अगला पार्ट है जो मंगलवार ना होगा। तो उम्मीद कर रहा हूं आप इस पर 20,000 लाइक तो इतना कराए दोगे, और चैनल अभी सब्सक्राइब कर लियो सारे, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके, और वीडियो ने शेयर जरूर करियो। राम राम जी सारे ने।